अगर दोस्तों आप बाइक से या फिर कार से कहीं भी यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय यदि आप मैप का यूज सही प्रकार से करते तो आपकी जो यात्रा है वो काफ़ी सरल हो जाती है, वो काफ़ी आसान हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर में कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज मैं आपको मैप के जो भी सारे फीचर्स हैं वो बताने वाला हूँ और साथ में आपको किस प्रकार से सही से मैप को यूज करना है ये आप जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर जो मैप है उसको इस प्रकार से ओपन करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने इंटरनेट को ऑन करना है, साथ में आपका जो लोकेशन है जिसको आप जीपीएस बोल सकते हैं इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करना है। और ऑन करने के बाद यहाँ पे मैप के अंदर आपको यहाँ पे सर्च के अंदर जा भी जाना है, उस लोकेशन का यहाँ पे नाम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओमकारेश्वर जाता हूँ तो यहाँ पे नाम लगाया, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना जो रास्ता है उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रास्ता कहाँ पे जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे गाड़ी दिखाई दे रही है, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको एरो दिखाई देता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके यहाँ पे जो भी व्हीकल सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो रास्ता है वो दिखाई देता है, साथ में कितना किलोमीटर है वो भी दिखाई देता है और कितने समय बाद आप पहुंचने वाले वो भी दिखाई देता है। और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर आपको सीधा चलना है, उसके बाद टर्न होना है, वो भी यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देता है। मेरा यहाँ पे 15 किलोमीटर के बाद यहाँ पे टर्न है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप किसी और रास्ते को जाते हैं और यदि आप बीच में कुछ ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं सर्च का जो ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करें, पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है या फिर जो भी आप यहाँ पे बीच में आप जहाँ भी रुकना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बीच में उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है। फिर यदि आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप साउंड को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, दिशा भी देख सकते हैं और साथ में यहाँ पे नीचे ये जो प्लस का आइकन दिया हुआ है यहाँ पे यदि आप कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे आपको कुछ और जानकारी मिलती है, जैसे कि आप कुछ और रूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो दो रास्ते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, आपका जो भी रास्ते आपको जाना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे समय भी बता लेता है, आगे रास्ता कैसा है वो भी बता लेता है। और इसके बाद आप वापस स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शन मिलते हैं यदि आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जो लोकेशन है वो किसी को शेयर करना चाहते तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, रूट को सर्च कर सकते हैं, साथ में आप अपना जो लोकेशन है उसको देखना चाहते देख सकते हैं, ट्रैफिक देख सकते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो सैटेलाइट के हिसाब से भी आप अपने मैप को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ में हमारा जो रूट है वो भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और इसे यदि आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और साथ में सेटिंग के अंदर जाके कुछ और भी सेटिंग करना चाहते कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।